हेलो एंड वेलकम टू एसओएल रिपोर्टर, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एसओएल स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के अंदर अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो पांच कोर्सेज हैं, उन सभी पांच कोर्सेज के अंदर सेकंड सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो ये पांच कोर्सेज जैसा कि आपको पता है BA प्रोग्राम, BCom, BCom ऑनर्स, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और BA इंग्लिश ऑनर्स। इन सभी पाँच कोर्सेज के अंदर अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स दिए हैं और आप सेकंड सेमेस्टर में जाने वाले हैं, तो आपको सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं उसको इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ मैं पहले आपको बता दूं, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दे दिए हैं और आप वेट कर रहे हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो जब डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद ही हम सेकेंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो आप इस गलतफहमी में ना रहें कि आपका रिजल्ट जो है जल्दी डिक्लेयर होने वाला है। रिजल्ट डिक्लेयर होने में 3 महीने तक का समय लग सकता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रिजल्ट डिक्लेयर होने का वेट ना करें, आप उसके पहले ही अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं सेकंड सेमेस्टर के अंदर। अगर पहले बात करें हम BA इंग्लिश ऑनर्स की, तो इसके अंदर अगर आप सेकंड सेमेस्टर को देखें तो इसमें आपको कोर सब्जेक्ट्स के अंदर दो सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं जो सभी BA इंग्लिश ऑनर्स जितने स्टूडेंट्स ने लिया सभी को पढ़ने हैं। इसमें पहला सब्जेक्ट है आपका पेपर 3, यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका मतलब है जो कोर सब्जेक्ट्स के अंदर पहला पेपर है। दो पेपर आपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ लिए थे जिसमें एक था आपका इंडियन क्लासिकल लिटरेचर और दूसरा था आपका यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, ठीक है। तो ये आपका पेपर 2 है जो कि कोर सब्जेक्ट फर्स्ट है आपका सेमेस्टर सेकंड के अंदर। पहला है आपका इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश और दूसरा है आपका ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा 14th to 17th century, ठीक है। ये दो सब्जेक्ट्स आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। फिर आती है बात AECC के अंदर, तो आपको पता होगा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर भी आपने AECC सब्जेक्ट पढ़ा है। तो इसमें एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, इसको आप ध्यान से सुनिए, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एनवायरमेंटल साइंस यानी कि EVS पढ़ लिया है तो आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा या तो इंग्लिश या तो हिंदी या उर्दू और तमिल वगैरह आपने लिए तो वो पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन जनरली या तो आपको इंग्लिश पढ़नी होगी या हिंदी पढ़नी होगी। यदि आपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इंग्लिश या हिंदी में से दोनों कोई में से एक सब्जेक्ट लिया है तो आपको सेकंड सेमेस्टर में EVS यानी कि एनवायरमेंटल साइंस ही पढ़नी होगी, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान से देखें, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में EVS लिए तो अब इंग्लिश या हिंदी, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश या हिंदी थी तो अब EVS आपको पढ़नी है। इसके अलावा जनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट में जैसे आपको फर्स्ट सेमेस्टर में चॉइस मिली थी, यहाँ पे भी आपको चॉइस मिली, यहाँ पे 5 ऑप्शन आपके अवेलेबल हैं, इन 5 ऑप्शन में से आप कोई एक सब्जेक्ट जो है चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया BA ऑनर्स इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप बात करें कि BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं इनके भी दो कोर सब्जेक्ट्स हैं, तो वही दो कोर सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो आपने दो सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे कोर में, एक था अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी और दूसरा था कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। यहाँ पे भी आपको दो कोर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, पहला है आपका पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट और दूसरा आपका पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। ये दो कोर सब्जेक्ट्स रहेंगे आपका। और AECC के अंदर सेम वही प्रोसेस है, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में EVS लिया है तो अब आपको पढ़नी होगी इंग्लिश या हिंदी, अगर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपने इंग्लिश या हिंदी पढ़ी है तो अब आपको पढ़नी होगी EVS यानी कि एनवायरमेंटल साइंस। जनरल इलेक्टिव में भी सेम आपका वही प्रोसेस है, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट लिया था जिस तरह से चूज़ किया था उसी तरह से आपको इस सेमेस्टर के अंदर भी सब्जेक्ट्स इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है, ठीक है। अगर बात करें BCom ऑनर्स की, तो BCom ऑनर्स में देखिए सेकंड सेमेस्टर के अंदर भी इनके भी दो कोर सब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर तो जिस तरह से आपने पढ़ा था, पेपर 1 था आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और पेपर 2 था आपका बिजनेस लॉ का, ठीक है। इसी तरह से आपको यहाँ पे कोर सब्जेक्ट दो और हैं, यहाँ पे फर्स्ट कोर सब्जेक्ट जो है जो कि आपका पेपर 3 है वो आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और दूसरा जो है आपका वो है कॉर्पोरेट लॉज, ठीक है। ये दोनों सब्जेक्ट्स आपको कोर सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। AECC में सेम आपका भी प्रोसीजर है, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में EVS लिया है तो आपको इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लेना होगा, और अगर आपने इंग्लिश या हिंदी पढ़ी है फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपको EVS सेकंड सेमेस्टर में लेना ही होगा, ये कंपलसरी है, ठीक है। इसके अलावा जनरल इलेक्टिव की सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें आपको चॉइस नहीं दी गई है, आपको एक ही सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये आपको पढ़नी है, इसके अलावा और कोई चॉइस आपके पास नहीं है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं BCom प्रोग्राम कोर्स की, तो BCom प्रोग्राम कोर्स में जैसे कि आपको पता है दो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, ठीक है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का आपको ध्यान है तो आपके दो कोर सब्जेक्ट थे, एक था आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग और दूसरा था आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जिसको आप BOM बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको यहाँ पे दो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो पेपर 3 है आपका वो आपका फर्स्ट कोर सब्जेक्ट है जिसमें है आपका बिजनेस लॉस, और जो सेकंड कोर सब्जेक्ट्स है वो आपका बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये दो कोर सब्जेक्ट्स आपके हैं।
इसके अलावा मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, सेकंड सेमेस्टर के अंदर जितने भी 5 कोर्स हैं उन सभी के अंदर आपको 4 सब्जेक्ट्स ही पढ़ने हैं सेकंड सेमेस्टर के अंदर, ठीक है। किसी भी कोर्स में आपको चाहे ऑनर्स हो या प्रोग्राम हो आपको 5 सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने। AECC में सेम वही प्रोसीजर है, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में EBS पढ़ा है तो आप इंग्लिश या हिंदी, और फर्स्ट सेमेस्टर में या हिंदी या इंग्लिश पढ़े तो अब आपको EBS पढ़नी होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इंग्लिश जो है आपको किस तरह से यहाँ पे चूज़ करनी है उसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे दो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, एक तो अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ी थी तो आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़नी होगी कोई दूसरी लैंग्वेज। वो दूसरी लैंग्वेज कौन सी हो सकती है, वो हिंदी हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, तमिल, उर्दू, कोई सी भी हो सकती है। प्रेफरेबली आप ज़्यादातर स्टूडेंट्स हिंदी वाले होंगे, तो अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ी है तो आपको मिलेगी हिंदी, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी पढ़ी थी तो आपको अब लेनी होगी इंग्लिश। अभी हिंदी और इंग्लिश में से यहाँ पे ऑप्शन है हिंदी ABC, इसी तरह से इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, इंग्लिश फ्लुएंसी और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो उसके क्राइटेरिया भी नीचे मेंशन किए हुए हैं कि आपको किस किस बेसिस पे आपको ये सब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो अगर आपके 12th क्लास में 80% या उससे अबव मार्क्स हैं तो आपको मिलेंगी इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। अगर 60 से 79% के बीच में मार्क्स है तो आपको मिलेगी इंग्लिश फ्लुएंसी। अगर 60% से बिलो मार्क्स है तो आपको मिलेंगी इंग्लिश प्रोफिशियंसी, ठीक है। इसी तरह से अगर आप हिंदी की बात करते हैं तो अगर ये जो लैंग्वेजेस है इसमें अगर 12th तक आपने पढ़ी तो आपको मिलेगी हिंदी ए, अगर 10th तक हिंदी पढ़ी है आपने तो आपको मिलेगी हिंदी बी, और अगर आपने 8th क्लास तक पढ़ी है तो आपको मिलेगी हिंदी सी, ठीक है। तो ये हो गया कि आपको जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, यहाँ पे इंग्लिश में ये MIL पूरा सेक्शन बोला जाता है, तो इंग्लिश इसके अंदर अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ी है तो अब आपको हिंदी लेनी होगी, फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी तो अब आपको इंग्लिश, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं BA प्रोग्राम कोर्स की। तो BA प्रोग्राम कोर्स के अंदर की बात करूँ तो सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपको पता है कि BA प्रोग्राम के अंदर आपको 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स चूज़ करने होते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपने डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स चूज़ किए थे वो डिसिप्लिन सब्जेक्ट चेंज नहीं होंगे, वही दोनों डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स आपके कैरी फॉरवर्ड होंगे। जैसे मान लीजिए आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट, तो अब आपको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। अगर आपके पास एजुकेशन डिसिप्लिन था तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपने पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज इन एजुकेशन, और अब आपको पढ़ना होगा सेकंड सेमेस्टर के अंदर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। इसी तरह से आपके पास अगर डिसिप्लिन में इंग्लिश सब्जेक्ट्स था तो आपने पढ़ा होगा सिलेक्शन फॉर्म फ्रॉम मॉडर्न इंडिया एंड लिटरेचर, ये आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना होगा। अगर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो आपने पढ़ा होगा द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, ठीक है। इसी तरह से अगर आपका हिंदी था तो आप पढ़ना आपको हिंदी कविता जिसमें मध्यकाल और जो आधुनिक काल है वो पढ़ना है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में देखें तो उसमें आपने पढ़ा था हिंदी भाषा का और साहित्य का इतिहास, ठीक है। इसी तरह से हिस्ट्री की बात करें तो उसमें आपने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू 300th सेंचुरी, तो यहाँ पे आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंडिया थ्रू 3rd सेंचुरी टू 12th सेंचुरी। अगर मैथमेटिक्स लिया तो आपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हो, और बाकी अगर पॉलिटिकल साइंस लिया है आपने तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, और यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, और फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। तो ये आपके जो भी 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स हैं वो डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स आपके चेंज नहीं होंगे, वो आपके सेम ही रहेंगे जो आपके सेमेस्टर फर्स्ट में थे, ठीक है। इसी तरह से अगर EBS की बात AECC की बात करें तो इसके अंदर अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एनवायरमेंटल साइंस लिया हुआ है तो अब आपको पढ़नी होगी इंग्लिश या हिंदी। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश या हिंदी लिया हुआ है तो आपको अब पढ़नी है एनवायरमेंटल साइंस यानी कि EBS। इसी तरह से इंग्लिश में सेम क्राइटेरिया है, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ी थी तो अब आपको पढ़नी होगी हिंदी या कोई दूसरी लैंग्वेज अगर आपने ली है तो। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी या कोई दूसरी लैंग्वेज पढ़ी थी तो अब पढ़नी होगी आपको इंग्लिश। इसको लेने का क्राइटेरिया यहाँ पर लिखा ही हुआ है, अगर आपने 80% से ज़्यादा स्कोर किया 12th क्लास में तो आपको मिलेगी इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, 60 से 79 के बीच में स्कोर किया तो आपको मिलेगी इंग्लिश फ्लुएंसी, और 60% से बिलो है आपकी परफॉर्मेंस इंग्लिश के अंदर तो आपको मिलेगी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। हिंदी की बात करें तो अगर आपने 12th तक पढ़ी है तो आपको मिलेगी हिंदी ए, 10th तक हिंदी पढ़ी है तो हिंदी बी मिलेगी, और 8th क्लास तक हिंदी पढ़ी है तो आपको मिलेगी हिंदी सी, ठीक है। तो ये 5 कोर्सेज के अंदर सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं वो सारे मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में समझा दिए। इसके सिलेबस जो अगर आप चाहते हैं कि मैं सिलेबस के वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, इन 5 कोर्सेज के सिलेबस के अंदर कौन कौन सी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, बाकी जो सिलेबस है वो चाहे तो आप खुद भी जाकर यहाँ पर ढूंढ सकते हैं, SOL की वेबसाइट पर सिलेबस जो है अवेलेबल है। अगर इस लिंक को आप देखना चाहते हैं तो इस लिंक जो ये जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इस
पूरे चार्ट को आप जाके एसएल की वेबसाइट पर देख सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप इसको ओपन करते हैं, तो आप अगर मोबाइल फ़ोन में ओपन कर रहे हैं तो इसको डेस्कटॉप मोड में ऑन करके देखेंगे तो ही ये चार्ट आपको दिखेगा, मोबाइल व्यू में ये चार्ट आपको नहीं दिख पाएगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये चार्ट आप जाके वहाँ पर खुद भी देख सकते हैं। बाकी जो सिलेबस है, डिटेल सिलेबस, वो भी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर भी अलग से वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी जो भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर के फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एग्जाम्स दिए हैं अभी, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें और उनको बताएं कि जो सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन सब्जेक्ट्स उन्हें पढ़ने हैं। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।